नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर है। पीएम ने जय बाबा केदार के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा कि 2013 के विनाश के बाद लोग सोचते थे कि क्या केदारनाथ का पुनर्विकास किया जा सकता है, लेकिन मेरे भीतर की एक आवाज ने मुझसे हमेशा कहा कि केदारनाथ का फिर से विकास होगा और आज हुआ ही है। अपने 4 विधायकों के साथ बिहार सरकार की डोलती नैया को थामने वाले विकासशील इंसान पार्टी अपना 3रा स्थापना दिवस मना चुकी है। इस अवसर पर पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर एनडीए में हलचल मच गई है। राजनीति में बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ है मुकेश सहनी ने अपने सपने को जाहिर करते हुए कहा कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी अपडेट के अनुसार भारत में 12,729 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड 19 के कुल मामले 3,43,33,754 पर पहुंच गए। वहीं देश में सक्रिय मामले बढ़कर 1,48,922 हो गए हैं। दिवाली खुशी उल्लास और रोशनी का त्यौहार है। इस त्योहारों को पटाखों के लिए भी जाना जाता है और सभी जोर शोर से पटाखे खरीदते और फोड़ते हैं। साल भर में पटाखों का सबसे बड़ा कारोबार दिवाली पर ही होता है। हालांकि इसका एक खतरनाक पहलू ये भी है कि पटाखों की चिंगारी यहां वहां गिरती है जिससे अग्निकांड होने की संभावना अधिक रहती है। ग्रहण के लिहाज से नवंबर और दिसंबर महीना बेहद अहम होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण आगामी 19 नवंबर को चलेगा। ये चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को सुबह 11:34 से शुरू होगा और फिर शाम 5:33 पर समापन होगा। वैज्ञानियों के मुताबिक 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया और उत्तरी यूरोप में दिखाई देगा। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। यहां बहेरी थाना क्षेत्र के शंकर रोहार में एक ज्वेलरी दुकान में 30 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने अपने बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान से 30 लाख रुपए लूटकर वो फरार हो गए हैं। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन के बावजूद भी यूरोप कोरोना महामारी का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि यूरोप में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामले में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे टीकों की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद ये महामारी का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश आने वाले हफ्तों में कोरोना वायरस महामारी के पुनरुत्थान के वास्तविक खतरे का सामना कर सकते हैं, जो पहले से ही संक्रमण की एक नई लहर से जूझ रहे हैं। CBSE ने 9वीं और 10वीं के लिए प्रैक्टिकल कार्यों के लिए विकल्प जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में 29 अक्टूबर 2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार साल 2021-22 में शिक्षकों के पास फेस टू फेस इंटरैक्शन के लिए कम समय की उपलब्धता को देखते हुए 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए टीचर गाइडेड प्रैक्टिकल वर्क की बजाय वैकल्पिक प्रयोग बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। दिवाली के अवसर पर भारतीय सेनाओं ने 3 साल बाद पाकिस्तानी सेनाओं को मिठाइयां बांटी है। 3 साल पहले पुलवामा हमले के चलते भारत पाक बॉर्डर पर दिवाली पर मिठाइयां बंटनी बंद हो गई थी। बता दें कि त्योहारों पर भारत पाक सीमा पर आजादी के बाद से ही मिठाई बांटने की परंपरा है। इस बीच एक बार फिर से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को मिठाइयां खिलाई हैं। मुंबई क्रूज केस में जमानत पर रिहा आर्यन खान आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑफिस में पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी। उनमें से एक शर्त ये भी थी कि वो हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB ऑफिस में पेश होंगे। उन्हें के जेल से छूटने के बाद ये पहला शुक्रवार था जब उन्हें ऑफिस में मौजूद रहना था। मोतिहारी के DM शीर्षत कपिल अशोक ने बालिका और बालक गृह के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने बालक और बालिका गृह में रह रहे बच्चों बच्चियों के बीच में मिठाइयां और वस्त्र देकर दिवाली की खुशियों को बढ़ाया है। वहीं बालिका और बालक गृह में रह रहे बच्चों और बच्चियों से खाने की गुणवत्ता की भी जानकारी ली है। कानपुर में 30 और लोग जीका वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने शुक्रवार को बताया कि कानपुर में 30 और लोगों में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। पराली जलाए जाने से धुएं में तीव्र वृद्धि होने के बीच दिवाली पर आतिशबाजी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना की गई और बृहस्पतिवार को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का आसमान धुएं के गुब्बार से ढक गया, जिसके चलते शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण का भयानक असर देखने को मिल रहा है। बीजिंग में शुक्रवार को विजिबिलिटी 200 मीटर से कम हो गई है। प्रदूषण की वजह से कुछ हाईवे को बंद करना पड़ा है। बीजिंग ने गुरुवार को सर्दियों के लिए अपना पहला प्रदूषण अलर्ट जारी किया। इसके तहत बाहरी निर्माण गतिविधियों, फैक्ट्रियों के ऑपरेशन और बाहरी स्कूल गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे सुब्रत मुखर्जी को इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने बंगाल की राजनीति में कुशल राजनीतिज्ञ के अलावा एक सक्षम प्रशासक के रूप में 50 से भी अधिक वर्षों तक काम कर अपनी विशेष पहचान बनाई। सुब्रत मुखर्जी का लंबी बीमारी के कारण दिवाली के दिन यानी कि बृहस्पतिवार को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था। भारत और गाम्बिया ने दोनों देश के बीच सहयोग को लेकर सामान्य ढांचा समझौते तथा राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कारोबार और विकास सहयोग सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की है। मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की 1-3 नवम्बर तक गाम्बिया की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देश में डेंगू को लेकर फैली दहशत की वजह गंभीर टाइप 2 डेंगू है जिसने सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में मचाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 1413 डेंगू संक्रमित मरीजों के सैंपल्स की स्टडी करते हुए पता लगाया कि डेंगू वायरस 2 महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग स्ट्रेन या सीरोटाइप है। डेंगू के 4 अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, इनमें DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई घोषणा का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। IMF के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य के अनुकूल ढलने समेत नवीकरणीय ऊर्जा और निर्भरता बढ़ाने पर अपनी अर्थव्यवस्था पर कार्बन की महत्ता को कम करने के लिए लक्ष्यों को लेकर COP26 में की गई भारत की घोषणा का स्वागत करते हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। देश भर से सामने आने वाले संक्रमण के कुल मामलों में से 60% मामले सिर्फ केरल राज्य से रिपोर्ट हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि केरल से हाल ही में फिलहाल में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि इन मामलों में केवल कुछ ही लोगों को ऑक्सीजन बेड या ICU की जरूरत पड़ी है क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों में संक्रमण की गंभीरता नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की तुलना में बहुत कम बताई गई है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में 5 नवंबर का दिन एक खास उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। भारत ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए रवाना किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने PSLV के माध्यम से इसे लॉन्च किया था। केंद्र सरकार की तरफ से सभी को कोविड का टीका देने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्यों ने इस अभियान के लिए टीकों की किसी भी कमी से इनकार किया है। इसी बीच एक अधिकारी ने कहा है कि निर्माताओं से मासिक आधार पर लगभग 30 करोड़ टीकों की खरीद की जाएगी जिसमें कोविशील्ड की लगभग 25 करोड़ खुराक शामिल है और कोवैक्सीन की 5 खुराक शामिल है। दुनिया के सामने कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा फिर से उजागर हो गया है। पाक ने श्रीनगर से शारजाह तक की फ्लाइट के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। अब भारत ने इस मुद्दे को पड़ोसी मुल्क के सामने उठाया है और क्लियरेंस देने की मांग की है। गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह सुबह कोड़े खाते दिखाई दिए। प्राचीन परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री बघेल प्रत्येक वर्ष दुर्ग जिले के जंगिरी गांव में जाते हैं। यहां के निवासी वीरेंद्र ठाकुर सीएम पर कोड़े बरसाते हैं। बताया जाता है कि इससे विघ्नों का नाश होता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश से पूछताछ करेगी। इसके लिए गुरुवार को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है जिसके तहत ऋषिकेश को एजेंसी के समक्ष आज पेश होना था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण यहां के कई हिस्सों में पानी भर गया है जिसके कारण यहां की ट्रैफिक बाधित हो गई है। ANI ने बेंगलुरु के शांति नगर उर्वशी थिएटर और लालबाग में बारिश के कारण जलजमाव का वीडियो शेयर किया है। भारत और दुनिया में हिंदू समुदाय ने कल धूमधाम से दिवाली मनाई है। रोशनी के इस त्यौहार के मौके पर घरों और मंदिरों को रोशनी से सजाया गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक दिवाली के मौके पर भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय को दिवाली की बधाई देते देखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दिवाली की रोशनी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से बाहर आने में ज्ञान ज्ञान और सच्चाई है। वैश्विक औद्योगिक चुनौतियों के लिए इंडस्ट्री 4.0 की योजना के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड की राजधानी रांची में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एवं फोर्सेस टेक्नोलॉजी को एक नया नाम दिया है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाएगा। इस संस्थान को उत्पादन तकनीक पर शोध के लिए विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही है। ऐसे में बॉलीवुड सितारे, फैमिली और फ्रेंड उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी को इंस्टाग्राम के जरिए जन्मदिन विश किया है। सुनील शेट्टी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन की खूब सारी बधाई, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी हंसी, मेरी दोस्त और मेरा प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, ताकत और मेरी कमजोरी आतिया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिसार में भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा नारनौंद में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जैसे ही किसानों को उनके पहुंचने का इल्म हुआ, वो एकत्रित हुए और भाजपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आज भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर अनुष्का शर्मा ने उन्हें खास पोस्ट करके शेयर किया है। वहीं क्रिकेट की दुनिया से जुड़े तमाम दिग्गजों ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, माहियानंद, पंकज कुमार दास, रूपम कुमारी, सभी कुमारी, प्रवीण कुमार, रोशन कुमार, शंकर मुखिया, निके फिरदौस, रिंकेश, विकास कुमार, गिरीश कुमार, वीरेंद्र विभूति, सुनील कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके जिले में दिवाली के बाद हवा की स्थिति पहले जैसी है या प्रदूषित हो गई है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।